ये एक हकीकी आज़ादी की जंग है और इस हकीकी आज़ादी की जंग में मैं एक्साइटेड क्या पूरे जनूबी पंजाब में पहली दफ़ा एक कसीर तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन निकली हैं और डिस्ट्रिक्ट लोधरा में भी एक बड़ा काफ़िला जो है वो निकला है ख़वातीन का। तो ख़वातीन एक्साइटेड हैं, हम एक हकीकी आज़ादी की जंग के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मकसद है वो है सिर्फ आज़ाद शफाफ इलेक्शन की डेट दे, जो इन्होंने पहले भी फासिस्ट हुकूमत ने जो हमारे लीडर के ख़िलाफ़ किया है, हम जो कुछ भी हुआ सारी दुनिया ने देखा हमारे लीडर को किस तरह से इन्होंने हिट किया, अभी भी उनकी लाइफ को थ्रेट है। अभी असद उमर साहब का मैं ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि जी खान साहब को जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए आने से मना कर दिया गया है। तो देखें इस वक्त फिर भी हम लोग एक्साइटेड है, जब हमारे लीडर नहीं डरा तो हम कैसे डर सकते हैं। खान साहब की जान को ख़तरा भी है, ये उन्होंने अभी अलर्ट भी जारी कर दिया है, ख़वातीन इस बात को कैसे देख रही है? हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि भी खान साहब पे पहले भी हमला किया गया और अब भी उनको धमकियां दी जा रही हैं कि खान साहब की जान को थ्रेड है, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब बहुत बहादुर लीडर है हमारे, वो आए और हम भी आएंगे और खान साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू को सुना, ये बिल्कुल पुरअज़म है और पुरअतमाद है, जब तक इमरान खान साहब वापस आने का नहीं कहेंगे ये वहाँ से नहीं रहेंगे।